जबलपुर के रांची में एक युवक ने न सिर्फ पिता पुत्री के साथ घटिया हरकत की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। युवक का नाम कपिल चौरसिया बताया जा रहा है, जिसने न सिर्फ दिनेश सैनी और उसकी बेटी के ऊपर थूक दिया बल्कि विरोध करने पर पिता पुत्री के साथ जमकर मारपीट भी की। पीड़ित परिवार ने रांची थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश शुरू कर दी है। दिनेश सैनी ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह अपनी बेटी के साथ टू व्हीलर में जा रहा था। ACF कॉलोनी के पास जैसे ही ब्रेकर आए तो दिनेश सैनी ने अपनी गाड़ी को धीमा किया। इसी बीच कपिल श्रीवास्तव ने उनके बाजू में आकर पिता पुत्री के ऊपर थूक दिया। दिनेश सैनी ने इसका विरोध किया तो कपिल श्रीवास्तव ने पिता पुत्री के साथ जमकर मारपीट की। दिनेश ने अपने और अपनी बेटी के साथ थूकने वाली घटना को लेकर रांची थाने में और फिर SP ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिनेश ने बताया कि कपिल चौरसिया पड़ोस में ही रहता है और उनका विवाद चल रहा है, जिसके चलते कपिल ने इस हरकत को अंजाम दिया है। जी, मेरा नाम दिनेश सैनी है। आज दोपहर 12:30 बजे मैं बेटी को कॉलेज लेके जा रहा था, तो ऐसे फैमिली लाइन के पास ब्रेकर के पास मैंने गाड़ी स्लो किया तो बाजू से कपिल चौरसिया, जो कि मोहल्ले में ही रहता है, पिता अनिल चौरसिया, बाजू में आया और बेटी के मुंह पे थूका और मेरे मुंह पे थूका। विरोध करने पे गाली गलौज करके गाड़ी को ओवरटेक लगाया और वहीं पर कॉलर पकड़ के मारने पीटने लगाया। लोगों ने बीच बचाव किया तो फिर शर्ट फाड़ के मेरे को धक्का दिया और सीने में बहुत ज़ोरदार घुसा मारा, चश्मा वश्मा सब टूटा है मेरा, और जान से मारने की धमकी दी। बेटी आई तो बीच में, तो उसमें उसको भी उसने हाथापाई की उससे, तो मैं थाना रांझी गया, रांझी में FIR दर्ज कराया और उसको मोबालाइजे के लिए जब बोला गया तो विक्टोरिया छोटी रांझी छोटी विक्टोरिया में मुझे फॉर्म भरा के दे दिया गया और फिजिशियन ने वहाँ की जो डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि इनकी बड़ी विक्टोरिया में फिजिशियन चेकअप करवा के रिपोर्ट वहाँ से बनवाइए। और मैं फिर उनको रांझी थाना लाया गया, रांझी थाना से ये बोला गया है कि मुझे विक्टोरिया लेके चल विक्टोरिया जाना है, आपको पहुँचिए आपका मोबालाइजा होगा। जब मैं यहाँ आया तो कोई फॉर्म वगैरह नहीं था मेरे साथ और उन्होंने फॉर्म वहाँ रख लिया और उपरोक्त जो भी इनकी मारपीट का है 30 नवंबर को इसने पुनः मेरे साथ मेरे घर में आके गाली गलौज किया था, जिसकी FIR खुद विधिवत दर्ज कराई गई थी मेरी। उसकी ये पुरानी इनकी जो दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये गुंडागर्दी है सर, मना करो। करता क्या है ये, ब्याजी पैसा चलाते, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को जीवन सट्टे में खिलाते हैं। बुजुर्ग आया था एक कपड़े फटे हाल में, ये इनका ये कहना है कि अपनी बेटी को लेके कहीं कॉलेज जा रहे थे और इनके ही पड़ोसी हैं, इनके क्षेत्र के रहने वाले, तो उनसे इनका विवाद चल रहा है, तो दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है, जिनमें इन्होंने तत्काल थाने में जाके FIR पंजीबद्ध कराई है और अब इनका मेडिकल भी वहाँ से करवाया गया है और जिनको अब उच्च मेडिकल के लिए विक्टोरिया भी रिफ़र किया गया है। तो अब जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जो आरोपी पक्ष है वो भी थाने में ही मौजूद है, वो भी इनके खिलाफ़ FIR करवा रहे हैं, तो देखा जाएगा जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से आशीष वाथ्रे की रिपोर्ट।